फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एंड माय टुडेज टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से पहले आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड वन वीडियो रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है मेटल आयन, सेकंड है लिगेंड. कि जो सेंट्रल मेटल है उसकी नेचर क्या है, चार्ज क्या है, रेडियस क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और लिगेंड की नेचर क्या है, वो किलेटिक. पहले हम मेटल आयन के जो सब पार्ट्स हैं, सब फैक्टर्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो ये देखो, ये आपने लिया हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड. इसमें जो आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड है. दिस वन इज ऑल्सो हेक्सासाइनोफेरेट, लेकिन इसमें आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, टू. तो अब आप समझ सकते हैं कि जब प्लस टू चार्ज होगा तो वो सिक्स साइनाइड के साथ जो एट्रैक्शन रखेगा वो कम रखेगा, प्लस थ्री होगा तो नेचुरली ज्यादा रखेगा. तो हम क्या देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का जो लॉग बीटा मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है, और इसके लिए लॉग बीटा की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 8.3 है जबकि यहाँ 31. तो जिसके लिए लॉग बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उतना ही स्टेबल होता है. तो वी कैन कंक्लूड दैट स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे उतनी ही वो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा. नेक्स्ट फैक्टर इज साइज. अदर्स कि जिसकी रेडियस छोटी होगी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. मैंने यहाँ कुछ डी ब्लॉक आयन्स लिए हैं, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. देखो चार्ज इक्वल है तो यहाँ चार्ज वाला फैक्टर हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रेडियस देखो पिकोमीटर में 91, 83, 82, 78, 69 यहाँ तक डिक्रीज हो रही है और यहाँ इंक्रीज हो रही है. तो इट मीन सेम चार्ज और रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी. तो हम क्या देखते हैं, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नीज की लेस देन है, देन एफ ई, देन सीओ, देन निकिल, देन कॉपर. लेकिन कॉपर और जिंक के केस में आप देख रहे हो कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो भी क्या है, रिवर्स है. इसी तरीके से अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम देखें, क्योंकि उनकी रेडियाई लगभग इनके बराबर होती है, तो हम क्या देखते हैं, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. तो क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, या आप जानते हो ग्रुप में बड़ा होता है सेकेंड ए में, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम. तो इसीलिए देखो मैग्नीशियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोर स्टेबल देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम. तो ये वाली जो सीरीज है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की जो सीरीज है, विच इज बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इस सीरीज को हम कहते हैं इरविंग विलियम सीरीज. थर्ड फैक्टर जो कि मेटल आयन से रिलेटेड है स्टेबिलिटी के लिए, वो है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल में हम क्या देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मेटल आयन्स को हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी मेटल आयन्स. ए में देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट ए ग्रुप के, सेकेंड ए ग्रुप के, और डी ब्लॉक के जो शुरू शुरू वाले एलिमेंट्स हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बी ग्रुप के, जिनके पास की जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो लगभग एक से लेकर क्या है, तीन है. और क्लास बी में वो आयन आते हैं जो कि पी ब्लॉक में थोड़ा सा नीचे के हैं, या फर्स्ट बी और सेकंड बी वाले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनके पास जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी एट से लेकर क्या है, डी टेन तक है. तो ऐसे मेटल आयन्स को हम क्लास बी में रखते हैं. लेकिन जो बीच वाले हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन चार, पांच, छह, सात है, इनको हम इंटरमीडिएट काउंट करते हैं, यानी कि ये ए के जैसे भी कंपाउंड बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, और बी के जैसे भी बना सकते हैं, इनकी थोड़ी मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं. इनको बेसिकली हमने डिवाइड इस बेसिस पे किया है कि जो ए क्लास के मेटल आयन्स हैं दे प्रिफर आयनिक बॉन्डिंग विद लिगेंड, जबकि जो बी क्लास के मेटल आयन्स हैं दे प्रिफर कोवलेंट बॉन्डिंग विद लिगेंड. तो ये सारे जो है इनकी नेगेटिविटी कम होती है और ये प्रीफर करते हैं फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ऐसे डोनर एटम्स हो, ऐसे लिगेंड के अंदर जिनके पास ये डोनर एटम हो, ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इनका जो बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड का दैट विल बी आयनिक इन नेचर.
जबकि ये जो डी ब्लॉक के आयन रली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सल्फाइड के साथ, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, आर्सेनाइड्स के साथ, जिसमें आर्सेनिक है या फास्फोरस है डोनर एटम, ये उनके साथ क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाते हैं और इनका बॉन्ड कोवलेंट बनता है। और बीच वाले क्या करते हैं, जो इनके साथ भी बना सकते हैं इनके साथ भी, इनके साथ बनाएंगे तो आयनिक नेचर होगा और इनके साथ बनाएंगे तो कोवलेंट नेचर होगा। अब आप ये देखो, अगर आप इनकी रिएक्शन सल्फर क्लोराइड ब्रोमाइड से कराओगे तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और अगर इन मेटल आयंस की रिएक्शन आप इनसे कराओगे तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया है सिल्वर फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का। अब सिल्वर कौन सी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। अब ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्टेबल, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ, और फ्लोराइड के साथ नहीं बनाएगा। तो यहां मैंने लॉग बीटा वैल्यू लिखी है 0.3, लॉग बीटा आपको बताया था ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, ये 0.3, 3.2, 4.5 और 8.0। आप देख रहे हो जैसे जैसे लिगेंड का साइज बड़ा हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी में जो फैक्टर्स आते हैं वो रिलेटेड होते हैं सारे के सारे नेचर ऑफ लिगेंड से। नेचर ऑफ लिगेंड में देर आर फैक्टर्स, फर्दर फैक्टर्स साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड, सेकेंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ रिंग इन द लिगेंड, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इन द लिगेंड एंड साइज ऑफ द कीलेट रिंग। इसके अलावा हम स्टेरिक फैक्टर को भी इसी में कंसीडर करते हैं। ध्यान दो साइज एंड चार्ज, साइज एंड चार्ज से आप समझते हो कि जैसे कि मैंने ये फ्लोराइड एक छोटा सा आयन लिया, क्योंकि फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा होता है और ऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी क्या है, बहुत छोटा सा, तो इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, बड़ी होने, ज्यादा होने वाली है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें आयनिक इंट्रेक्शन ज्यादा होगा, आयनिक इंट्रेक्शन ज्यादा होने से वो स्टेबल बनाते हैं। जैसे यहाँ दो कॉम्प्लेक्स लिए मैंने, FeF प्लस टू, FeCl प्लस टू, एक ही अभी लिगेंड को जोड़ा है, तो इसके लिए लॉग बीटा की वैल्यू 6 है जबकि क्लोराइड के लिए 1.3 है। इसके साथ क्लास बी के साथ इसका रिवर्स ऑर्डर होगा, यानी कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, फ्लोराइड जो है कम स्टेबल बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, लोन पेयर देना, क्योंकि अल्टीमेटली मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो एसिड बेस रिएक्शन है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल उससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो अब आप बताइए कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, जिसकी अपनी नेगेटिविटी क्या है कम और जिसकी अपनी ही ज्यादा है, वो क्या करेगा, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इस पेयर को अपने पास ही अट्रैक्ट करके रखेगा, तो वहां पे जो बॉन्ड है वो कम स्टेबल होगा। जबकि अगर इसकी नेगेटिविटी कम है तो वो क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे देगा। तो जो लिगेंड जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो एच प्लस के साथ भी क्या करेगा, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो जो भी एच प्लस के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बना सकता है दे आर गुड लिगेंड्स, और जो नहीं बना सकते वो वीक लिगेंड्स हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम ये भी देखते हैं कि जो NH3 है वो गुड लिगेंड है इन कंपैरिजन टू वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का जो लोन पेयर है जब ये एच प्लस को देगा तो देने के बाद भी उसके ऊपर राइट अपना रखेगा, जबकि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी कम है, ये उसको देगा तो सही मायने में ही उस एको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ रिंग। आपने एक ये मेटल लिया और ये इसने सपोज 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बना लिया, ओके, और इसमें एक भी रिंग नहीं है तो ये कम स्टेबल होगा। और अगर इसकी जगह ऐसा होता कि ये कुछ इस तरह से कीलेट रिंग बना लेता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, इसमें एक रिंग है, और अगर ये दो रिंग बना रहा है तो और ज्यादा स्टेबल होगा, और तीन रिंग्स बना रहा है तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड इट। ध्यान दो कि जब ये मेटल एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो ये छहों तरफ किससे अटैच्ड होगा, वाटर मॉलिक्यूल से, ओके, तो ये पानी में इस फॉर्म में होगा। और अब जब आप इसकी 6 लिगेंड से रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, M के साथ 6 लिगेंड्स आ जाते हैं इस तरीके से, और 6 लिगेंड्स अंदर आए, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर गए, तो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर 6 लिगेंड की जगह मैं 4 लिगेंड तो ये वाले और एक लिगेंड ऐसा ले लूं जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है, जो रिंग बनाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे रिंग बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बाहर जाएंगे, देखो लिगेंड जो अंदर आए वो कितने हुए, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये दोनों मिलके क्या है, एक पार्टिकल है,
और जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो कितने होंगे, सिक्स। तो यहाँ पे एंट्रोपी का आप क्या देख रहे हो, इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर मैं दो लिगेंड सिंपल लेती और दो ऐसे लेती बाइडेंटेड लिगेंड, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक रिंग और बन जाती, वाटर मॉलिक्यूल्स तो सिक्स ही बाहर निकलते, लेकिन लिगेंड कितने काम, अंदर कितने लिगेंड आते, टू प्लस टू फोर, तो नेट बाहर ज्यादा पार्टिकल निकल रहे हैं, एंट्रोपी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं तीनों ही लिगेंड इस तरीके से ले लेती बाइडेंटेड, तो अब ये तीन रिंग बन जाती, तो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकले इसमें से वो तो सिक्स निकले, लेकिन जो लिगेंड अंदर आए वो कितने आए, इसके साथ अटैच हुए, वो थ्री। तो अल्टीमेटली थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। हम निकिल का कॉम्प्लेक्स अमोनिया से बनाते हैं तो इसका लॉग बीटा वैल्यू आती है 8.61, और अगर हम इसका इथाइलिन डायमीन से बनाते हैं तो इसकी जो लॉग बीटा वैल्यू आती है वो है 18.28। इट मीन्स कि जो इथाइलिन डायमीन का कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल है। नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स में भी आप देख सकते हो, कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, चारों मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे आपने क्या किया इथाइलिन डायमीन ले लिए दो, तो यहाँ दो रिंग बन रही है, जबकि तीसरे पे मैंने क्या किया ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन लिया, ट्राई इनको क्या बोलते हो, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। इसमें कीलेट रिंग कितनी है, जीरो, इसमें कितनी है, टू, इसमें कितनी है, थ्री। तो यहाँ हम देखते हैं लॉग बीटा वैल्यू, आप इजीली यू कैन सी 12.6, 20 एंड 20.5। तो इट मीन्स नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होने से भी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ट्राई इन का स्ट्रक्चर होता है कि हम तीन इथाइलिन ले लेते हैं, ये मैंने तीन इथाइलिन ले लिए और इनके साथ मैं क्या करूंगी NH2 जोड़ दूंगी, यहाँ NH आ जाएगा, यहाँ NH और यहाँ पे NH2। तो ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है जहां पे आप ये नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा, ये एक लॉन पेयर देगा, एक ये देगा और एक ये, क्योंकि और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कॉपर, तो इसके कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देखते हैं कि ये एक दो तीन चार, चारों लिगेंड डोनर एटम काम में आ रहे हैं, तो ये वन टू एंड ये थ्री, इसमें कीलेट रिंग्स होती है, इफ कीलेट रिंग। और देखो साइज ऑफ कीलेट रिंग कैसे अफेक्ट करता है, आप जानते हो कि जो साइक्लिक रिंग्स हैं वो 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल, तो जब 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी कीलेट रिंग बनेंगी तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन अगर 3, 4 या 7, 8 होती हैं तो इनमें क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है तो इनको पास पास लाने के लिए ही हमें वर्क करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिससे इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाले जो कीलेट रिंग्स हैं ये लेस स्टेबल होती हैं, जबकि 5 एंड 6 मेंबर्ड वाली रिंग्स ज्यादा स्टेबल होती हैं। फैक्टर, स्टेरिंग फैक्टर में क्या है कि ये आपका एक मेटल है, इसने सपोज इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया NH2, ये तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर इन दोनों हाइड्रोजन की जगह इसके पास क्या होता, दो आर ग्रुप होते, तो अब क्या होगा कि ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया ग्रुप्स हैं, तो वो डोनर एटम इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकता, उसके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। स्टेरिक फैक्टर में ही हम क्या देखते हैं, दिस वन इज 8-hydroxyquinoline, 8-hydroxyquinoline इज अ गुड लिगेंड, इट हैज गुड डोनेशन टेंडेंसी, जबकि अगर हम 2 मिथाइल के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो अब आप ये देखो ये डोनर एटम है और इसके पास ये अगर एक कोई स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है या कोई सा भी ग्रुप है तो इसकी एफिशिएंसी इससे क्या होती है, कम होती है, तो इसके लेस। नाउ वी विल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। एज वी नो दैट मेटल आयंस विच हैव D8 कॉन्फिग्रेशन, जिन सबका D8 कॉन्फिग्रेशन है, जनरली दे प्रिफर फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम देखते हैं रोडियम इरिडियम 1 दे हैव D8 कॉन्फिग्रेशन, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोल्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस काफी स्टेबल होते हैं और उनकी काफी एक्सटेंसिवली स्टडी भी की गई है, उसी में से हम देखेंगे प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनका क्या मैकेनिज्म है और क्या उनका पाथ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो दिखाते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड
विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑर्डिनेशन नंबर। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन कम रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में एडिशन हुआ, फिर उसके साथ साथ फॉलोड बाय क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और एलिमिनेशन हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में एक लिगेंड एंटर कर जाता है, एक लिगेंड बाहर चला जाता है। पहले हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कम रिडक्टिव एलिमिनेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप देखिए ये प्लेटिनम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगेंड वन मिथाइल, लिगेंड टू क्लोराइड क्लोरो और दो लिगेंड्स क्या है, डाइमिथाइल फिनाइल फॉस्फीन, इसके टू मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड है। इसकी जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन भी करता है, साथ साथ खुद भी अटैच हो जाता है और ये प्लस टू से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। अब इसमें से तुरंत क्या होता है, एक MeCl का मॉलिक्यूल मिथाइल और एक क्लोरीन बाहर आ जाते हैं और आपको क्या मिलता है, देखो इसका रिडक्शन हो जाएगा प्लस फोर से, अभी कौन सी स्टेट में आ गया, प्लस टू में डाइक्लोरो और साथ में मिला आपको डाइमिथाइल फिनाइल फॉस्फीन के दो मॉलिक्यूल्स इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये वापस चार कोऑर्डिनेशन नंबर से चार में पहुंच गया, ऑक्सीडेशन नंबर टू से ऑक्सीडेशन नंबर टू में। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पीटी के साथ प्लेटिनम के साथ मिथाइल क्लोरो और डाई मिथाइल फिनाइल फॉस्फीन जुड़ा हुआ है। इसमें जो HgCl2 है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है इसके पास और क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल आके इसमें से क्लोरीन को अपनी क्लोरीन को दे जाता है और मिथाइल को ले जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एजाइड आयन आएगा और क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनऑर्गेनिक में हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, PT L2TH, there are four ligands, two are L, one is T and one is X, और इसके ऊपर Y ने अटैक किया तो X जो है रिप्लेस हो गया। और इसका हम ऑरियंटेशन क्या मान के चल रहे हैं, कॉन्फिग्रेशन की प्लेटिनम के पास दो लिगेंड जो है आमने सामने और T जो है वो ट्रांस इफेक्ट रखता है, जिसको हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। इसके सामने वाला जो ग्रुप है ट्रांस ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वाई से और ये खुद बाहर चला जाता है, हमने ये एज्यूम किया। इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, वाई की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लिया, सो दैट कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो वाई की कंसंट्रेशन है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की कितना वो बन रहा है, तो हमने इसको कर दिया dPTL2TX/dt। या हम इसको किसके बराबर लिख सकते थे, केवल, यानी कि ये डिपेंड कर सकती थी खाली इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर या इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। हालांकि हमने वाई को क्या ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मिक्सचर के अंदर जब आपने वाई एक्सेस में ले रखा है तो भी क्या ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है या ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो खाली इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या वाई की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो देखो दोनों का अगर हम मान के चले तो रेट जो है किसके बराबर होगा, केवल PTL2TX प्लस K2PTL2TX और वाई, यानी कि ये तब होगा जब वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है बाई मॉलिक्यूलर। और ये यूनिमोलिक्यूलर, इसको हम स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर भी बोलते हैं, क्योंकि आप वाई से रिएक्ट तो कर रहा है पर वाई की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो अब इसी रिएक्शन को मैं रीअरेंज कर सकती हूँ कैसे, कि PTL2TX को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका K1 + K2Y। और इसमें इसको इस टर्म को देखो, K1 कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है और Y क्योंकि आपने एक्सेस में लिया इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो इन सबको मिला के मैं क्या लिख सकती हूँ, K ऑब्जर्व। अब ये K ऑब्जर्व अगर वो सिर्फ K1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब K2 जीरो है, और अगर वो सिर्फ K2 के बराबर आ रहा है तो K1 जीरो है, और अगर दोनों ही नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है कि उसी सॉल्यूशन में रिएक्शन यूनिमोलिकुलर स्यूडो यूनिमोलिकुलर भी हो रही है और बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म से भी हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका लिगेंड क्या है। तो ध्यान दो, ये जो आपने लिया PTL2TX इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म से जिसको मैंने लिखा K ऑब्जर्व। अब
के ऑब्जर्व बराबर क्या होगा, के वन प्लस के टू वाई। यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें हर रिएजेंट के लिए, मैंने एक रिएक्शन कराई जिसमें मैंने रिएक्टेंट लिया पीटी पिरिडीन टू एंड क्लोरीन टू, इसके ऊपर वाई लिगेंड की रिएक्शन कराई, और वाई क्या क्या हो सकता है, थायोसाइनेटो आयडो साइनो और ये फिनाइल मार्कअप टेन ब्रोमो हाइड्रोक्सिलमीन एजाइड और नाइट्राइट। ये मैंने अलग अलग रिएजेंट्स के रिएक्शन इसके साथ कराई और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई, और मैंने मीडियम क्या लिया, मीथेनॉल का लिया। तो मैंने क्या देखा कि जब हम SCN रिएजेंट लिगेंड से रिएक्शन कराते हैं तो इसका स्लोप काफी हाई है, और दूसरा जो आयडो लिया उसका स्लोप कम है। धीरे धीरे आप देख रहे हो नाइट्राइटो तक स्लोप क्या होता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इस रिएक्शन में मैं के ऑब्जर्व्ड, इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, के ऑब्जर्व्ड लिया है, और वाई इस एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ वाई। तो ये आपकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म वाली रिएक्शन हो गई। तो इसमें आप देखोगे के टू कहां से निकाल सकते हैं हम, स्लोप ऑफ द रिएक्शन, स्लोप ऑफ द ग्राफ से, और K1 किससे निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट से। K1 क्या है, अगर वो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, और अगर ये जीरो आ जाता है, यानी कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो जीरो आ जाता है, इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो प्योरली बाइमोलिक्यूलर है। तो आप देख रहे हो किसी भी केस में वो जीरो नहीं आ रहा, सबके केस में इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है, और ना ही इंटरसेप्ट जीरो, वो स्लोप जीरो आ रहा है। आप इस रिएक्शन इस ग्राफ को भी देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस नाइट्राइटो के लिए भी स्लोप जो है जीरो नहीं है, कम। तो इट मीन्स जो रिएक्शन है वो दोनों ही पाथ को फॉलो कर रही है, यूनिमोलिक्यूलर को भी और बाइमोलिक्यूलर को। रिएक्शन के लिए हम देखते हैं कि देयर आर फोर पॉसिबल पाथवेज। पहला कि जो PTL2TX है वो क्या हो, उसमें से ये एक्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, वो ये बन जाए PTL2T और X बाहर चला जाए। सेकेंड स्टेप में इसके ऊपर Y रिएक्शन करे, तो इसको मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिसोसिएटिव। दूसरा था कि इस PTL2TX के ऊपर X जाए उससे पहले ही Y अटैक कर दे और एक पेंटावेलेंट स्टेट बन जाए। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म या इंटरचेंज एसोसिएटिव, में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होंगे, लेकिन जो एसोसिएशन का प्रोसेस है वो डोमिनेट करेगा। सिमिलरली इंटरचेंज डिसोसिएशन में दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगे, लेकिन डिसोसिएशन बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है दैट विल डोमिनेट। और साथ में हम क्या देखते हैं कि जो PTL2TX है, अगर इसके ऊपर वाई पहले अटैक करता है, इट मीन्स कि ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो जो रिएक्शन है वो K2 को रिप्रेजेंट करेगा, और हम क्या देखते हैं P2LT TY, ये एक साथ बन जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ब्रेक हो, ब्रेक होके क्या बना दे PTL2T, लेकिन मैंने यहाँ पे S क्यों लिखा है, क्योंकि वो सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही है, सॉल्वेंट्स ऑल्सो कम्पीट विद वाई, तो वाई उसके ऊपर अटैक करे उससे पहले ही कौन कर लेता है, सॉल्वेंट, तो वो कभी भी ट्राइवेलेंट स्टेट नहीं रहती, बल्कि सॉल्वेंट उसके साथ उस जो वैकेंट साइट है वहां पे अटैक कर लेता है। तो ये बन जाता है PTL2TS, और इसके ऊपर वेरी फास्ट रिएक्शन होती है किसकी, वाई की, और ये बन जाता है PTL2TY वाली रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको हम K2 से कहेंगे, और इसको हम किससे करेंगे, K1S से डिनोट करेंगे। या आप इसको यहाँ भी समझ सकते हो कि अब जो K ऑब्जर्व की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर वो फर्स्ट इस मैकेनिज्म से हो रही है तो क्या होगा, यानी कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, तो K1 PTL2T और S इनकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, जबकि जो अगर इस मैकेनिज्म से होती है तो वो डिपेंड करेगी K2 PTL2TX की कंसंट्रेशन और Y की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आप इसको रीअरेंज कर सकते हो कि PTL2T दोनों तरफ है, PTL2TX X इधर भी है और इधर भी है, आप इसको कॉमन ले सकते हो, तो अगेन आपकी उसी तरह से रिएक्शन बन जाएगी जो हमने पहले बनाई थी। तो हम क्या देखते हैं, K1 और S ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट अगेन क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, और ये जो K डैश है, K डैश
मैंने इसको के वन नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है ये के डैश लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अब मैं इसको सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ले रही हूं, ये के डैश है। तो हम क्या देखते हैं के डैश एस बराबर हो जाएगा के वन के इसको। तो यहां मैं के वन की जगह क्या लग सकती हूँ के डैश एस भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को क्या मान के चला है कि वो एक्चुअल डिसोसिएटिव नहीं है, वो भी एक तरह का क्या है एसोसिएटिव ही है कि वहां पे लिगेंड से सॉरी प्लेटिनम से वाई जा रहा है सॉल्वेंट जुड़ रहा है, तो वहां पे एक सॉल्वेंट एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है। तो ये पाथवे इसके लिए हो गया। तो हम क्या देखते हैं के ऑब्जर्व अगेन किसके बराबर आएगा के वन प्लस के टू वाई। के वन मतलब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है वो डोमिनेट कर रहा है और के टू मतलब उसमें एसोसिएटिव कि जो रेट कांस्टेंट है वो दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगा, वाई की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में भी और इस कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में भी वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा उसके ऊपर वाई की कंसंट्रेशन डोमिनेट नहीं करेगी, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल और केवल इसके रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इस तरह से दोनों पाथ को फॉलो करती हैं, यूनिमोलिक्यूलर सूडो यूनिमोलिक्यूलर को भी और बाइमोलिक्यूलर, और अल्टीमेटली वो होती क्या है एसोसिएटिव। इस वे से जा रही है तो भी एसोसिएटिव और इस वे से जा रही है तो भी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की जगह डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम माने कि वो डोमिनेट कर रहा है तो रिएक्शन किस टाइप से होगी कि पीटी एल टू टी एक्स में से एक्स पहले डिसोसिएट हो जाएगा तो ये ट्राई तीन कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके ऊपर वाई का वेरी फास्ट अटैक होगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन से के वन को निकालते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन डिसोसिएटिव है या वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है इंटरचेंज एसोसिएशन एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव में भी। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस से को करने से हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिली वो क्या मिली कि जो फास्ट रिएक्शन है वो क्या है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। अगर हम रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है वो क्या ले लें न्यूक्लियोफिलिक ले लें तो हम क्या देखते हैं रिएक्शन की स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। इट मीन्स क्या है कि वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, चाहे वो ऐसे ऊपर वाले मैकेनिज्म से जाए चाहे वो नीचे से जाए, तो वो भी क्या था एक तरह का एसोसिएटिव मैकेनिज्म ही था। दूसरा स्टेरिकली लिविंग ग्रुप है, अगर जैसे यहाँ अगर एक्स ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड है यहाँ पे तो उसका हटना क्या होना चाहिए टूटना पहले फेवर्ड होना चाहिए और रिएक्शन को इस तरह से फॉलो करना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि एक बार तो हम एक्स ग्रुप ऐसा ले लें जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, दूसरी बार हम ऐसा ले लें जो हिंडर्ड है, तो जो हिंडर्ड है उस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलनी चाहिए फास्ट मिलनी चाहिए, जबकि हमें इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि ये इस रिएक्शन को इस पाथवे को फॉलो नहीं कर रही। नेक्स्ट अगर हम ब्रोमाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करें यानी कि यहाँ पे हम X की जगह क्या ले लें बी आर और Y की जगह क्या ले लें एस सी एन या आयोडाइड, तो भी हम क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस चीज को सपोर्ट करती है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव। सो दिस वॉज रेट लॉ फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको इस पूरे में कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन ऑल्सो, एंड माई चैनल इज डॉक्टर बीना की साइंस। थैंक यू।